नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हो अपना मेंटा से ब्लॉग। तो भैया, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब कम्युनिटी का ये वाला पोस्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि यार मेरी जो इको स्पोर्ट है वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए गई हुई है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि भैया क्यों इंश्योरेंस क्लेम के लिए मैंने भेजी है, क्या हुआ था, तो वो चीज़ें जो है मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, आप उस वीडियो को चेक कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा यार, अब कुछ दिनों के लिए वैगनार ही मतलब अपन चलाने वाले हैं बढ़िया से। कल परसों में मैं एक ड्राइव पे जाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 350-400 किलोमीटर के आसपास, तो उस टाइम मैं इस वैगनार को ही ले जाऊँगा। और उसी के साथ साथ यार मैंने कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स मंगाए थे इस वैगनार के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट्स की, तो वो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैं बात करने वाला था। देखो, ये वाला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये लगेगा हमारे वैगनार की कैबिन लाइट में यार, जो कि वाइट LED है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये जो आपको दो छोटे छोटे LED बल्ब दिख रहे हैं, ये है कार की रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट के ऊपर लगने के लिए वाइट LED है। तो भैया, इन दोनों को मैंने सोचा छोटे मोटे सस्ते मध्यम मॉडिफिकेशन है जिसको मैं करने वाला हूँ, और अपने आप ही करना है, कुछ उसमें यार बड़ी चीज़ नहीं है। इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए आपको बस एक ही चीज़ चाहिए इन दोनों चीज़ों के अलावा, वो है ये स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस। भैया यार, बस आपको एक पतला सा पेचकस चाहिए, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है, मतलब बहुत ही इजी टू इंस्टॉल है, खुद भी कर सकते हो आराम से। ज़्यादा भैया करवाना हो तो बाहर से भी करा लो, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिलहाल के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इस कैबिन लाइट के बल्ब को बदलते हैं। और सबसे पहले यार यहाँ पे आप देख सकते हो पेचकस, तो पेचकस यार करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हल्का सा राइट साइड में इसके लॉक पे लगाओ और उसके बाद लेफ्ट साइड में आप इसको स्लाइड करते जाओ और ये एकदम आराम से निकल आता है यार, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप इस बल्ब को नोटिस कर सकते हो, ये क्लिप है और यहाँ पे आपको करना सिंपली है इस क्लिप को हल्का सा नीचे करना है और इस बल्ब को ऐसे आराम से निकाल लेना है। और यहाँ पे हम लोग अब इस LED बल्ब को निकाल लेते हैं। तो देखो यार, इसको सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक LED निकाला है, हालांकि ये जो है इसका प्राइसिंग वगैरह आपको सब जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाइंग लिंक आप देख सकते हो। और ये जो है इसमें अगर आप देखो तो 10 LEDs मिल जाती हैं आपको, और इसकी मतलब ब्राइटनेस जो है वो मैं आपको नाइट व्यू में दिखाऊंगा कि बिफ़ोर आफ्टर क्या फ़र्क पड़ता है। और फिलहाल के लिए इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप इसका दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए ये आप देख सकते हो कि ये जो क्लिप है यार, ये ऊपर नीचे हल्की सी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो मैं एक हाथ से इस टाइम करके दिखा रहा हूँ, हल्का सा इसको नीचे स्लाइड कीजिए और ऊपर ऐसे नीचे ऊपर दोनों जगह जो है आसानी से ये अटक जाती है। उसके बाद अगर मैं इसको ऑन करके दिखाऊं तो यार ब्राइटनेस जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, लेकिन इसका जो है मैं ओवरव्यू है वो आपको रात में दिखाऊंगा कि यार कैसा लाइट्स परफॉर्म करती हैं, आप लोग खुद ही उस टाइम जस्टिस करना। और ये मतलब इसकी क्वालिटी यार काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, ये मैंने मंगाई थी अमेजोन से और प्राइसिंग इसका जो था वो था 119 यानी कि 119 रुपये की। यहाँ पे आपको दो LEDs मिल जाती हैं। देखो, अगर आपकी कार में ऐसे दो लगे हैं, मतलब एक आगे और एक पीछे लगा है, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ एक लगा लेना और एक एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी कभी जस्ट इन केस फ्यूज़ हो जाती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे फ्यूज़ होने का इतनी जल्दी चांसेस रहता नहीं है। और फिलहाल के लिए यार इस पैनल को जो है वो लगा देते हैं। इस पैनल को लगाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको यहाँ पर ऐसे प्लेस करना है और इधर से प्रेस किया एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। तो अपने वैगनार के कैबिन में LED लाइट्स लगाने के बाद आप चलते हैं पीछे नंबर प्लेट वाले एरिया की तरफ। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यार देखो, मैंने ये जो है पहले से ओपन कर रख के रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो बल्ब लगे हुए हैं और इनको मुझे LED से रिप्लेस करना है। तो यार उसके लिए सबसे पहले बूट को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको जो है इस पैनल को खोलना पड़ेगा, और इस पैनल को खोलना है बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना, बस ये जो नक्के हैं ना इन सबको आपको निकाल देना है। और इन नक्कों को चलिए निकालने का प्रोसेस मैं फटाफट से आपको दिखा। तो चलिए, यहाँ पे इस पैनल को खोलने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा ये स्क्रू ड्राइवर जो कि पतला सा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये जो लॉक्स हैं इनको खोलना पड़ेगा। इनको खोलने के लिए पेचकस जो है ऐसे पतला सा अंदर करिए और ये आराम से देखिए बाहर निकल आता है, ये बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से सारे जो है वो जितने भी ये नट्स हैं ये प्लास्टिक वाले, ठीक है, इन सबको जो है कुछ इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो
तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि पैनल जो है वो ओपन हो चुका है और कुछ इस तरीके का देखने को लगता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसका जो गत्ता या फिर जो पीछे का पार्ट था वो निकला रखा है, और जितने भी ये जो प्लास्टिक के नट्स थे ठीक है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये रही अपनी लाइट्स, यानी कि ये जो दो बल्ब हैं इनको मैं निकाल के इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। पैनल को खोलना है काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो सॉकेट आपको दिख रहा है ठीक है, इसको पहले आपको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको पेच का ज़रा साइड में रख देता हूँ ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे को हल्का सा प्रेस करके या पेचकस की मदद से आपको इसको जो है निकाल देना है ठीक है। ये निकल गया, ये जो है नंबर प्लेट वाली बल्ब का जो है ठीक है ये सॉकेट है। अब इसको भी निकालेंगे फिलहाल के लिए। दूसरा साइड वाला यहाँ पे ये रहा, इसको भी जो है हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग कम है बट निकल जाएगा, थोड़ा सा दो हाथ लगाने पड़ेंगे, एक हाथ से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट निकल गया। ये भी निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर आप इसको देख रहे हो अगर ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल्का सा प्रेस करिए और ये देखिए ऐसे निकल गया ठीक है। इसी तरीके से हम इस वाले को भी निकाल देते हैं, इसको प्रेस किया साइड से और ये निकल गया। अब तो यहाँ पे देखो आप, ये निकल चुका है, बाहर आ चुका है मतलब। और यहाँ पे आप उसको इसको थोड़ा सा सरकाते सरकाते ये ऐसे बल्ब की यूनिट जो है उसे निकाल लेना है। ये राइट वाली भी बल्ब की यूनिट जो है वो हम लोग कुछ इसी तरीके से निकाल लेते हैं आराम से। देखो मैंने आपको जो बताया था पहली जो क्लिप होती है ना ठीक है, इसको आपको दबाना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे दोनों बल्ब्स की यूनिट जो है वो रखी हुई है। और ये रही हमारी लाइट्स, तो इसको यार फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ये लाइट जो है ये भी दो आती है, मतलब एक पैकेट में आपको दो लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। और आप साइज़ देख सकते हो कि यार कितना छोटा इनका साइज़ है। और यही LED बल्ब्स जो है इसमें लग सकते हैं, क्योंकि इससे बड़े अगर आप लगाओगे तो वो इसमें फंसेंगे। तो फिलहाल ये झिल्ली विल्ली साइड में रखते हैं। देखो अब इसका थोड़ा सा काम कम है, अब इसको हटा दो आप, LED बल्ब रखो यहाँ पे नीचे और इसको ओपन कर लेंगे। देखो आपको इसको एंटी क्लॉक वाइज जो है ऐसे लेफ्ट साइड में घुमाना है, घुमा के ये इजीली जो है आपका कैप निकल जाता है। और यहाँ तो यहाँ पे इस बल्ब की बात करें तो इसको यार निकालने के लिए ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल देना है ठीक है, ये इजीली निकल जाता है। इसको आप रख दो साइड में और यहाँ पे जो हमारा LED बल्ब था ठीक है, उसको जो है आप ऐसे आराम से इसके अंदर प्लेस कर सकते हो ठीक है। अगर देखो ये LED बल्ब वर्क नहीं करता है तो इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में भी बदल सकते हो, मतलब ये ऐसे लगा है, इसको निकालना अगर वर्क नहीं कर रहा हो तो ये ऐसे यहाँ पर लगा के उल्टा करके लगा देना ठीक है। वो आप उल्टा सीधा देख लेना जहाँ से वर्क कर ले ठीक है। अब ये देखो लगा दिया। अब इसके बाद जो है इस कैप को इसके ऊपर रख के यहाँ पे इसको देखो सॉकेट में प्लेस करके यहाँ पे ऐसे राइट साइड में टर्न करिए, जो कट की आवाज़ आती है आप एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए पहले इसको मैं ओपन करता हूँ ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लगाया और आवाज़ सुनिएगा ठीक है। ये जो कट की आवाज़ आती है इसे पता चलता है ये लॉक हो चुका है। अब इसको प्लेस करते हैं, फिलहाल के लिए इसमें भी वैसे ही फटाफट से जो है हम लगा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया है और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो इसको लेने का, और तो इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है, इसको भी ऐसे ही मुझे अंदर करना है। अंदर हो जा बेटे, हाँ चलो एक साइड से राइट लेफ्ट साइड से ही अंदर चला गया ठीक है। ओके फोकस फोकस, तो देखो लेफ्ट साइड से पहले अंदर कर देना, फिर उसके बाद राइट साइड से बस आपको ऐसे प्रेस करना है बस ठीक है। ये लॉक हो गया, आवाज़ आ गई आपको। तो यहाँ पे आप देखो तो आपने ये जो कपलर निकाल के रखे थे इसको बस आपको ऐसे यूँ कनेक्ट कर देना है। ये ला कनेक्ट हो गया। अब इस वाले को भी मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे पैनल दोबारा से लगा देते हैं। पैनल दोबारा लगाना भी उतना ही आसान है जितना निकालना था। तो सबसे पहले जो है पैनल लगाते हैं। तो यहाँ पे दो क्लिप और बचे हुए हैं लगाने को और मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है कि ये जो क्लिप्स है ना ये थोड़े से आपके निकले होने चाहिए ठीक है, छोटा वाला जो क्लिप है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बस ऐसे अंदर करना है और इसको प्रेस कर देना और ये लॉक हो गया ठीक है। और दूसरा भी कुछ ऐसे ही लगेगा, ऐसे अंदर करना है ठीक है। अंदर करने के बाद इसको ऐसे लॉक कर देना बस, और ये आपका लग के रेडी हो चुका है। तो पैनल हमारा पूरा सेट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पुराने जो मतलब स्टॉक वाले जो बल्ब्स हैं हेलोजन वाले वो रखे हुए हैं, और इनको मैं रखे रहूँगा यार, कभी ना कभी हो सकता हो काम आ जाएं। देखते हैं LED कितने दिन चलती है, हालांकि पावर तो कंज्यूम कम करती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने लाइट्स जो है ऑन करके रखी हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों लाइट्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यार ये जो LED है वो 2 वॉट का मतलब बल्ब है ठीक है, इसके अंदर 4 LED की चिप्स आती हैं छोटी छोटी। और बात करते हैं प्राइसिंग की, तो ये मुझे पड़ी थी 119 यानी कि
होगी 119 रुपए की, ठीक है। इस पर आपको MRP भी शायद दिख रही होगी यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊं, हाँ देखो, तो लगभग 120 रुपए की दो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि मतलब सस्ता और काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन रहने वाला है आपकी किसी भी कार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका जो है रात का आपको व्यू दिखाने वाला हूँ कि मतलब कैसा, मतलब क्या फ़र्क पड़ा है, दोनों आपको दिखाऊंगा, LED वर्सेज हेलोजन, दोनों का आपको मतलब बिफोर आफ्टर वाली फोटो देखने को मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं सीधा नाइट मोड। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो है रात हो चुकी है और मतलब इस टाइम येलो वाला हेलोजन बल्ब हमने जो है कार के केबिन लाइट में लगा रखा है। अब इसके बाद हम लोग आप इसका रिस्पांस चेक कर सकते हो कि भैया कैसा इस टाइम लग रहा है, मतलब कितनी ब्राइटनेस है इसकी, और फोटोज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अब हम लोग स्विच करते हैं व्हाइट वाली LED लाइट पर। अभी आप लोग जो लाइट देख रहे हो यार, वो रहने वाली है ये LED लाइट जो कि मैंने इंस्टॉल कर ली है। और इसका मतलब ओवरव्यू आपको कैसा देखने में लग रहा है भैया, कमेंट करके जरूर बताना। मतलब हेलोजन से काफी ज्यादा मुझे ये ब्राइट और पावरफुल लगती है यार। व्हाइट लाइट का जो है थोड़ा मतलब एक अलग सा जो है लुक गाड़ी का निकल के आता है। उसी के साथ साथ मैं आपको अभी बाहर जाके वो नंबर प्लेट वाली लाइट्स भी दिखाने वाला हूँ, चेक कराने वाला हूँ मतलब कैसा उसका रिस्पॉन्स रहने वाला है। और साथ ही साथ मतलब आपको बिफोर आफ्टर की भी मतलब सारी फोटोज देखने को मिल जाएंगी साइड बाय साइड। तो भैया आप लोग जो है इन सभी फोटोज को देख लें, पहले मैं आपको सारी फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ। उसी के साथ साथ मतलब अगर मैं इन लाइट्स की बात करूं, तो यार बात करूं इस कैबिन लाइट की, तो यार ये जो कैबिन लाइट है ये मुझे पड़ी थी 119, यानी कि 120 रुपए की दो आती हैं, ठीक है। मतलब एक सिंगल पीस नहीं मिलता इसका, दो आती हैं। तो अगर यार आपके कार में मतलब आगे पीछे दोनों जगह है तो आप दोनों को यूज कर सकते हो, अदरवाइज एक लगा लो, दूसरी यार रखी रही स्पेयर में क्या जा रहा है। अगर वैसे देखा है तो 60 रुपए पर पीस पड़ता है, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर को मैंने इसे मंगवाया था फ्रॉम Amazon, और मतलब मंगा लो यार, काफी अच्छी चीज है। अगर आप इसे मॉडिफाई कराना चाहते हो अपनी कार को, मतलब हल्का छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो लाइटिंग से रिलेटेड, तो यार इसे आप जरूर से लगा सकते हो। मतलब बात करते हैं पावर की, तो ये इतना मतलब हेलोजन बल्ब के कंपैरिजन में काफी कम जो है पावर कंज्यूम करती है, और उससे कहीं ज्यादा ब्राइट आपको देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ जो हमारी नंबर प्लेट में लाइट्स मैंने लगा रखी है, 2-2 वॉट के दो बल्ब लगे हैं उसमें, तो यार देखो वैगनआर के लिए उससे बड़े बल्ब मतलब कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है। मतलब मैंने इससे बड़े बल्ब पहले मंगाए थे, ट्राई किया, वो फिट नहीं है क्योंकि उसका कैप जो है वो बंद नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैंने उनको रिटर्न कर दिया और फिर से मतलब ये छोटे वाले बल्ब जो है मंगाए, जिनका रिस्पांस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फोटोज में भी आपने चेक किया होगा कि मतलब कैसा इसका रिस्पांस रहा, और साथ ही साथ इस टाइम यहाँ पे भी आप ब्राइटनेस देख सकते हो, मतलब कमाल की रहने वाली है। और फोटोज में भी आपने सब कुछ चेक कर ही लिया, तो कैसा लगा इन लाइटों का रिस्पॉन्स भैया कमेंट करके जरूर बताना। खरीदना है तो Amazon से खरीद सकते हो, 120 रुपए की दो आती है, मतलब ये कैबिन लाइट वाली भी और नंबर प्लेट वाली भी, सभी जो है मतलब 120 की दो आती है, ठीक है। लगाना चाहो लगा लो, मतलब काफी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद जो है इको स्पोर्ट में भी मैं मतलब इस टाइप का कुछ लगाने की सोच रहा हूँ, ऑर्डर किया है, आ जाता है, फिर उसके बाद भी आपको उस पर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाइएगा, और लाइक किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब के साथ इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। टिल देन बाय बाय एंड से इवेंट आस्क।